लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी मुझे मेरे पति से मिलवा दो ना कहना उन्हें मेरे पास भेज दो गौरिया इतना महंगा सब बना के सब कुछ लुटाई के तमाशा देखने का हम तो कहते गौरिया सब्जी में आलू मिलाई ले सब्जी सबको पूरी पड़ जाएगी आलू भी कौन सा मुफ्त मिले आलू भी आलू के दाम ना मिले अरे लेने जाओ तो मुआ सबसे महंगा है वैशाली जल्दी से खाना लगा दो बड़ी भूख लगी है माँ विवेक भैया माँ जी बिरजू भैया क्या हुआ छोटी बहू माँ जी मैंने आज उन्हें देखा है मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है आज मैं कहती थी ना आपसे मेरा विश्वास जीतेगा वाह अच्छी कहानी है आप सब विश्वास करो ये छोरी की बात पे हम विश्वास ना करेंगे ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जो हम दुनिया भर की लानत झेल रहे हैं जो लोग हमसे ऊंची आवाज करके बात ना करते थे आज ही कुलक्षणी के 16 सिंगार पे उंगली उठा रहे हैं चुनचुरी तो कोई घर में रहनो है तो विधवा बनकर रहनो पड़ेगा रंगीन कपड़े सिंदूर मंगल सूत्र सब उतार के फेंकना पड़ेगा कह देता छोरी ई घर में रहना है तो विधवा की तरह रहे नहीं तो अपना रास्ता ना अपना अम्मा ये जितना हमारा घर है उतना ही इसका भी घर है इसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है ये जैसे चाहे यहां रह सकती है परंतु कोई इस पर अन्याय पूर्वक अपनी इच्छाएं थोपे ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा तू बौरिया तू तू मुंह लटकाए काय खड़ी है समझाना लल्ला को लल्ला ना समझे की बातें ना कर तू ई पराई छोरी के प्रेम में धर्म अधर्म से आंखें मूंद सकत है अगर ई छोरी को ई घर में रहनो है तो विधवा की तरह रहनो पड़ेगा और ई हमरा आखिरी फैसला है नहीं अम्मा मैं आपका ये फैसला नहीं मानूंगी क्योंकि मैं विधवा नहीं हूं चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं अपने पूरे परिवार को लेकर यहां से जा रही हूं मां आज मैंने मेले में उन्हें देखा वो मेरे बहुत करीब थे अगर वो भीड़ सामने ना आती तो आज वो आप सबके सामने होते बावली हो गई है चोरी मरा हुआ कभी लौट के वापस आवे है का वैशाली जी अमरी मानो बड़ी समधन का इलाज तो होते होते होवेगा सबसे पहले
ई छोरी के दिमाग का इलाज करवाओ। बस कीजिए अम्मा। बेटा, कोई तेरे विश्वास पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं करता हूं। हाँ, तूने देखा था देव बाबू को मिले, परंतु किसी के कहने से तुझे घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। नहीं शास्त्री जी, छोटी बहू सही कह रही है, हमें ये जगह छोड़कर आगरा चले जाना चाहिए। वैसे भी माँ जी को ऐसी हालत में बार बार लेकर आना जाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं समधन जी, मैं आपको इस प्रकार घर छोड़कर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। अरे आप वहाँ आगरा में कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी? नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। आगरा में मेरे मायके का एक पुश्तैनी घर है, हम लोग वहीं जाकर रह लेंगे। और अगर कुछ कठिनाई हुई तो आपकी ये बेटी है ना। बुरा मत मानिएगा बहन जी, पर इस तरह से नई जगह पर जाकर बसना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं अपने पूरे परिवार को आगरा लेकर जा रही हूँ तो मैं अपनी जिद की वजह से नहीं, इसमें भी कान्हा की मर्जी है। कान्हा ने ही मुझे ये मार्ग दिखाया है, और अब अगर कोई मुश्किल भी आएगी तो कान्हा मेरे साथ है। आप मेरा विश्वास कीजिए, वहां दादी माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं उन्हें ढूंढ भी पाऊंगी। शुक्र है बला टली, इनके जाते ही मंदिर में ठाकुर जी को भोग चढ़ाऊंगी। नाक में दम कर दिया था ससुरों ने। राधिका देख बिटिया, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, तेरे पसंद का गाजर का अचार। बिरजू बेटा जी, इसे बाकी सामान के साथ रख देना, और ये खाने का कुछ और भी सामान है, रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी। बिटिया मंदिर गई थी, वहां से धागा लाई हूं। आगरा वाले नए घर में भगवान जी के चरणों में रख देना, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। माँ, बाबूजी सुबह से नहीं दिखाई दे रहे। पता नहीं बिटिया, मुझसे भी कुछ कहकर नहीं गए। हे राधे 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 राधे। बाबूजी आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, अभी हम बिना मिले चले जाते तो। ऐसे कैसे बाबूजी से मिले बिना चली जाती? बेटा एक यजमान के यहाँ गया था उसकी मोटर लाने, वो माँ जी को बस में यात्रा करने में कष्ट होता ना, इस कारण उनकी मोटर ले आया, सुविधा रहेगी उसमें। शास्त्री जी हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे समधी मिले। जब अपने छोड़कर चले गए आपने ही साथ दिया ना हमारा, सब कुछ तो दिया आपने, खाने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़े, सर छुपाने के लिए छत। आपका ये उपकार जीवन भर नहीं चुका पाएंगे हम। ना ना समधन जी, ये आप क्या कह रही, अपनों पर भी कोई उपकार करता है भला? अपनों का तो सुख दुख विपदाएं सब कुछ बांटी जाती है। मैं दादी माँ को लेकर आती हूँ। राधिका, दादी माँ। वैशाली कहाँ है रे? दादी माँ वो बाहर है और सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा? क्यों? आज हम सबको आगरा जाना है। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना,
मैं यही ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बोल देती हूँ कि दादी माँ मना कर रही हैं आने से। रुक रुक, देव ने कहा है मुझे आगरा ले चलने के लिए। हाँ दादी माँ, और खुशी की बात तो यह है कि वो भी आगरा में है। देव ने कहा है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, तब तो चलना ही होगा। चल मुझे सहारा दे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब वापस उस चूहे दानी में जाएं। ग्रेट। मीता लगता है इस वक्त तो वापस जाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं उन्हें वापस लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? लेकिन बेटा अभी तो जाना ही पड़ेगा ना, देखो ना ताला लगा है। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग चलकर माँ जी को दिखा लाते हैं, वैद्य जी को, फिर सोचेंगे क्या करना है। हो सकता है कोई आ जाए। वैशाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ हरिया। आपके ब्याह के समय बड़े साहब ने इस मकान की जिम्मेदारी मुझे ही तो सौंपी थी। हरिया काका, नमस्ते, कैसे हैं आप? ईश्वर की दया है। छोटी बहू, ये हमारे हरिया काका हैं। बरसों हो गए मकान की सुनी दीवारों से बातें करते हुए, अब आप लोग आ गए हैं तो जिंदगी भी आ जाएगी। आइए। ये लीजिए चाबी, अपना द्वार खोलिए और अपनी अमानत को संभालिए। आज कितने बरसों के बाद इस घर माफ करना, जब तक शरीर में ताकत थी साफ सफाई करते रहे, अब बूढ़े शरीर ने काम करना छोड़ दिया है तो साफ सफाई नहीं कर पाए, बस सारा सामान ढक के रख दिया है। आपने हमारे बाबूजी की धरोहर इतने संभाल कर रखा, यही बहुत बड़ी बात है। और रही साफ सफाई की बात तो हम सब मिलकर कर लेंगे। अरे हाँ बड़ी बहू, जाओ ना बिरजू से कहो माँ जी को ले आए। माँ जी, हम कान्हा की स्थापना पहले कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप Thank you.
वैशाली, लगता है ये घर बहुत दिन से बंद था, लेकिन धूल मिट्टी के बावजूद बहुत अच्छा घर है। इनका तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस धूल मिट्टी के जंगल में भी इन्हें अच्छाई दिखाई दे रही है। दादी माँ, आपको भीतर कमरे में ले चलें, आराम कर लीजिए। हाँ, यात्रा में तो बहुत थक गए। गर्मी कितनी है यहाँ। ये स्विच खराब है, पंखे नहीं चल रहे, प्लीज चला दीजिए, बहुत गर्मी है। नहीं चलेंगे। मतलब? बिटिया, बिजली कट गई है ना? नहीं। हरिया काका, आप घर जाइए। कोई भी काम हो तो हमें बुलवा लेना, यहीं 100 कदम की दूरी पर कुटिया में रहते हैं हम। अच्छा चलते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? लाइए मुझे। अरे मुझे भी तो कुछ करने दो। नहीं माँ जी, आप जाकर दादी माँ के पास बैठिए, ये सब काम मैं खुद कर लूंगी। तुम कहाँ मानने वाली। बड़ी बहू, मम्मी जी, दादी माँ को पंखा कर रही हूँ, गर्मी है ना। बिरजू जी, तुम और बड़ी बहू जा तो जाकर छोटी बहू का सफाई में मदद करो। आए ला। अरे मैं कर दूंगी पंखा, जाओ ना, बिचारी अकेली काम कर रही है। दीदी लाइए लाइए, मैं कर देती हूँ, ना। आराम। चेहरे पे नमक छिड़कने के लिए मैं ही मिली हूँ ना तुम। एक तो इस घर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ऊपर से खाली पेट कैसे खड़ी हूँ इतनी देर से मैं ही जानती हूँ, और उस पर से तुम आराम करने के लिए कह रही हो। दीदी माफ कीजिएगा, वो काम मैं अभी खाना लगवा देती हूँ। बिरजू भैया, जाके दादी माँ को लाइए ना, हम सब पहले खाना खा लेते हैं। दीदी आइए। थैंक गॉड, आखिर इस घर में किसी को तो मुझ पर भरोसा है। मजा आ गया। अभी तो इतनी भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाए थे, 2 पराठा ज्यादा ही खा गए। सच में बहुत अच्छे पराठे बने। माँ, आधा पराठा और दो ना। माँ, मेरा पेट भर गया। नहीं नहीं बेटा, ये देखने ज्यादा हो रहा है, ले ले। अच्छा ठीक, आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेता। आज तो सबने भोजन कर लिया, पर कल क्या होगा। वैसे छुट्टी बहू, तुम्हारी माँ अचार बहुत बढ़िया बनाती है। क्या हुआ छुट्टी बहू, क्या सोचने लगी। कुछ नहीं माँ जी। बिरजू बेटा, मुझे जरा कमरे तक छोड़ दे। जी दादी माँ। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल जहाँ मैंने उन्हें देखा था, अगर आज मैं उधर जाऊँ तो शायद वो मुझे मिल जाए। इस बार मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ माँ जी। मैं जानती हूँ आप यही सोच रही हैं ना, कि हम इस शहर में नए हैं, शायद मुझे रास्ते ना मालूम हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आते समय मैंने रास्ता देख लिया था, वो यमुना घाट के बहुत करीब है, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। लेकिन छोटी बहू, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, नई जगह है ना, फिर घबराहट होगी।
सता रहे हो काना। मेरी आस्था, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो इतना करीब लाकर भी आपने उन्हें मुझसे छीन लिया। क्यों काना,